कई बार ऐसा होता है कि आपके पीरियड टाइम पे नहीं आते। हर महीने डेट चेंज होती रहती है, कभी एक दो दिन पहले आ जाते हैं और कभी कभी 15 दिन बीत जाता है, पीरियड्स का कोई अता पता नहीं होता। और कभी कभी तो अगर पीरियड आ भी रहा है तो फ्लो में नहीं आ पाता है। और सबसे बड़ी समस्या, आप इस प्रॉब्लम के बारे में किसी से बात ही नहीं करते, अंदर ही अंदर खुद से सवाल पूछते, खुद ही जवाब देते हैं और उसके बाद चुप हो जाते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं इस सवाल से, लेकिन सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलता है। कुछ घरेलू नुस्खे हैं जो आपकी इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि किचन की कुछ चीजें हैं जो आपकी इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए छूमंतर कर सकती हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी चीजें आप करेंगे उसे रेगुलर करना है, तब तक जब तक कि पीरियड्स डेट इरेगुलर से रेगुलर नहीं हो जाते। आपको पता है हमारा जो किचन है ना, वो औषधियों का भंडार है, घरेलू नुस्खे वहाँ कूट कूट के भरे होते हैं। बस आपको सही समय पे सही चीज यूज करना पता होना चाहिए। आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा है और आपको खाना क्या है, लेना क्या है, पीना क्या है। बस आज हम बात करेंगे कि हम अपने पीरियड्स डेट को, जो कि इरेगुलर हो चुके हैं, रेगुलर डेट पे कैसे फिक्स करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अजवाइन 2 चम्मच अगर आप उबाल के पी लेते हैं ना, वो भी हल्का वार्म, थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, बिल्कुल चाय की तरह आप सिप सिप करके अगर आप पीते हैं, अगर आप इसे 2 दिन लगातार पीते हैं, 3rd दिन बिल्कुल क्लियर है कि आपका पीरियड स्टार्ट हो ही जाएगा। और अगर पीरियड्स में आपको बहुत ज्यादा पेट में दर्द होता है, आपके लोअर स्टमक में बहुत ज्यादा पेन रहता है, तो ये सेम फॉर्मूला आपके दर्द से बचाने के लिए भी काम करेगा। इसके ऊपर भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी और ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। वैसे तो मुझे रेगुलर पीरियड्स पेन नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी पीरियड पेन मुझे भी बहुत ज्यादा परेशान करता है। सेम यही काम करना है आपको। 1 या 2 चम्मच लेना है जीरा और लगभग 1 कप आपको पानी लेना है। जीरे को उबाल लेना है इतना कि जो पानी 1 कप था वो आधा हो जाए, और उस आधे कप पानी को हल्का वार्म रहे, हल्का गर्म गुनगुना रहे, उसी वक्त आपको करके इसे पी लेना है। जीरे की तासीर भी गर्म होती है, और क्योंकि आप 2 से 3 दिनों तक अगर इसे सुबह शाम लगातार पी रहे हैं, तो 4th दिन आपका पीरियड कंफर्म है कि आ जाएगा। रुके हुए पीरियड को टाइम पे लाने के लिए मेथी भी बहुत हद तक हेल्प करता है। आपको करना क्या है, सिंपल, आप 1 या 1.5 चम्मच मेथी को उबाल लीजिए 1 कप पानी में, और आधे पानी को पूरा जला देना है। जो आधा बचा हुआ पानी है आप उसे सिप करके पी सकते हैं। फ्लेवर के लिए आप उसमें ब्लैक सॉल्ट यूज कर सकते हैं, चाट मसाला यूज कर सकते हैं अगर आपको कड़वा लगता है तो, और अगर आप बिना फ्लेवर के पीना चाहते हैं तो बिना कुछ डाले ऐसे ही आप पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी भी तासीर गर्म होती है, इससे भी आपका पीरियड जल्दी आता है, और ये चीज तो डॉक्टर्स भी आपको रिकमेंड करते हैं। आप लगभग इतना अदरक ले सकते हैं, ठीक है, 1 या 2 इंच आप अदरक ले सकते हैं, उसे कद्दूकस करके अच्छे से पानी में उबाल लीजिए, अदरक को छान लीजिए, जो पानी बचा हुआ है आप उसे पी जाइए। इसके लिए भी आप वही मेथड यूज करें कि आप जितना पानी इसमें डालेंगे उसका आधा पानी आप जला दीजिए, और हल्का वार्म रहे, हल्का गुनगुना रहे, तभी आप उसे पी लें। ये भी आपको 2-3 दिन पहले ही करना है, 3rd या 4th दिन ही आपका पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अदरक बहुत ज्यादा गर्म होता है। एक बोनस टिप मेरी तरफ से, आप ये अदरक वाला फॉर्मूला तभी यूज करना जब आपको पाइल्स ना हो। अगर आपको पाइल्स है तो ये अदरक वाली चीज को अवॉइड करके बाकी सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। पाइल्स वाले लोग अदरक से बिल्कुल दूर रहे, ना बहुत भयंकर प्रॉब्लम हो सकती है। अगर पीरियड आपको काफी टाइम से परेशान कर रहा है, हर महीने आपको 15 दिन डिले कर देता है, 10 दिन डिले कर देता है, टाइम पे कभी आता नहीं है, तो आपको पपीता खाना है। पपीता तो खाना है, लेकिन पका हुआ नहीं खाना है, आपको कच्चा पपीता खाना है। अगर आपके आसपास पपीते का पेड़ हो तो आप कच्चा पपीता वहां से ले सकते हैं, या फिर मार्केट में अगर कच्चा पपीता अवेलेबल हो, मार्केट में मिलता हो, तो वहां से आप कच्चा पपीता लीजिए। थोड़ा बहुत आप उसे सैलेड की तरह यूज कर सकते हैं, ब्लैक साल्ट चाट मसाला डाल करके खा सकते हैं, अगर नहीं तो बिना फ्लेवर के भी आप उसे खाइए। सुबह शाम कच्चा पपीता खाने से आपकी यूट्रस में कसाव पैदा होता है, और इस कसाव की वजह से आपके पीरियड जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं। अनार खाने से भी आपके पीरियड जल्दी स्टार्ट होते हैं। तिल, मकर संक्रांति में जो तिल का लड्डू मिलता है ना, काला वाला तिल, सफेद वाला तिल, आप वो तिल भी यूज कर सकते हैं। तिल की तासीर भी गर्म होती है। अगर आप सिंपल तिल को सिर्फ भून करके खाना पसंद करते हैं तो शहद के साथ आप खा सकते हैं, वरना जो मकर संक्रांति पे जो लड्डू बनती है गुड़ के साथ में, तिल और गुड़ को मिलाकर के लड्डू बनते हैं छोटे छोटे, आजकल तो मार्केट में भी अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। अगर एनी टाइम आपके यहाँ भी मार्केट में अवेलेबल है तो आप वहां से ले सकते हैं, नहीं तो मार्केट में तिल अवेलेबल होता है। अपनी मम्मी, भाभी, दीदी, जो भी बड़े लोग आपके घर में हैं, जो आपकी हेल्प कर सकते हैं अगर इस तरीके से, तो आप ये तिल और गुड़ का लड्डू बनवा करके रख लीजिए। बाकी सारी चीजें जो मैंने बताई है उन सब में से सबसे ज्यादा इजी यही है, एक स्नैक्स की तरह आप सुबह में शाम में इसे ले सकते हैं। 2 सुबह 2 शाम बहुत ज्यादा गर्म होता है, इसलिए ज्यादा इसे खाने की कोशिश ना करें, वरना पिंपल और एक्ने की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। तो ये पीरियड्स के लिए है, तो आप दवा के फॉर्म में ही इसे यूज करें 2 सुबह 2 शाम को, इससे भी आपके रुके हुए पीरियड्स जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। आप सिट्रस फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे कि कीवी, मौसमी, संतरा, नींबू, आंवला, इन सबका आप जूस ले सकते हैं, यानी कि वो फ्रूट्स जिसमें विटामिन सी
पूरा भर भर के हो। आपकी बॉडी में विटामिन सी की वजह से ही प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ता है जो कि पीरियड इंड्यूस करने वाला हार्मोन है। तो विटामिन सी अपनी बॉडी को देने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इसका जूस ले सकते हैं, संतरा का जूस, मौसम्बी का जूस, आराम से आप फ्रूट चाट या सैलेड के फॉर्म में ले सकते हैं। और बच गया नींबू, तो नींबू को आप नींबू पानी की तरह पी सकते हैं दिन में एक या दो टाइम। आप जैसे आपको लगे कि आपका पीरियड 3 या 4 दिन बाद आपका पीरियड आ जाएगा तो आप अपनी बॉडी को विटामिन सी देना शुरू कर दीजिए। अब जितनी भी चीजें मैंने आपको गिना दी है, जितनी भी चीजें मैंने आपको बता दी है, ये सब कुछ यूज करने के बाद भी, इन सबको आजमाने के बाद भी अगर कोई आराम आपको नहीं मिलता है तो आराम से बैठे ना रहें और चीजों को ट्राई करने के बारे में ना सोचें, फौरन जाएं और अपनी डॉक्टर से मिले। हो सकता है आपकी बॉडी में ये सारी चीजें बिल्कुल भी वर्क ना करें, मेडिसिन लेने की जरूरत पड़े तो डॉक्टर से मिले, डॉक्टर कुछ दवाइयां देंगे और आपका रुका हुआ पीरियड वापस से स्टार्ट हो जाएगा। ये किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सबके साथ होता रहता है। टाइम टू टाइम हमारी बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, हार्मोन्स डिसबैलेंस होते रहते हैं जिसकी वजह से हर गर्ल को, हर फीमेल की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आज की ये वीडियो कहीं से भी अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए आ जाऊंगी यहाँ पे। मैं आपसे मिलती हूँ विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।